रांची के नामकुम के खर्चीदाग ओपी के थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के ऊपर पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। मामला कल दोपहर में पिंडारकुम में दो परिवारों के बीच जमीन के बंटवारे का है। पीड़ित का कहना है कि दलालों की नज़र मेरे हिस्से की जमीन में लग गई है। इसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित कल सुबह से जेसीबी से अपने हिस्से की जमीन में काम करवा रहा था। इसी बीच खर्चीदाग ओपी से थाना प्रभारी ने काम रोककर दोनों पक्षों को थाने में आने को कहा। कुछ समय बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचकर शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए थे। इसी बीच थाना प्रभारी अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकालते हुए थाने के अंदर आकर अपने रिवॉल्वर को टेबल पर रखा और लाठी मांगकर अचानक लाठी चार्ज कर दिया, जिससे एक पीड़ित को चोट लगी और पीड़ित का मोबाइल भी टूट गया। मामले को देखते हुए मामले को लेकर पीड़ित जिला पूर्व बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सह जिला पार्षद आरती कुजूर के पास फोन से सूचना दिया, जिसके बाद आरती कुजूर ने आज पीड़ित परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी ली और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आरती कुजूर ने बताया कि अगर मामला जमीन से संबंधित था तो कागजातों की मांग दोनों पक्षों से कर अंचल अधिकारी से कागजातों की सत्यता कर कानूनी प्रक्रिया करना था। अगर बिना कानूनी प्रक्रिया के लाठी चार्ज किया गया है तो दुर्भाग्य की बात है। मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों से मिलकर जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की मांग करेंगे। हम लोग का अपना खतियानी जमीन, अपना खानदानी जमीन पिंडारकुम में है, बंटवारा हो चुका है। हम लोग उसमें मनाएंगे घर बोल के, जिसे भी लेके काम करने गए थे उतना में वहाँ का थाना का एक स्टाफ वहाँ पर गए और बोले कि आप लोग क्यों जिसे भी चला रहे हैं, रोक दिया था। हम लोग जिसे भी निकाल ही रहे थे, जैसे वो बोले कि रोको जिसे भी, हम लोग रोक दिए थे और बोले कि थाना प्रभारी आए थे, किसी को भेजा गया था? नहीं, स्टाफ गया था, थाना प्रभारी नहीं थे। उसके बाद वो बोले कि चलिए सब थाना, तो हम लोग गए, दोनों पक्ष का गए। हम लोग थाना में बैठे थे, बोले कि थाना प्रभारी अभी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, आधा घंटा एक घंटा बैठिए। हम लोग चुपचाप से दोनों पक्ष बैठे हुए थे। आधा एक घंटा के बाद में आए थाना प्रभारी, आए जैसे ही गाड़ी से उतरे और पिस्टल लेकर अपना वहाँ टेबल में रखे। उसके बाद क्या हाथ में लिए हुए थे? क्या हाथ में लेके उसके बाद में टेबल में रखे, उसके बाद डंडा लाओ बोलने लगे। तो हम लोग बोले सर क्यों डंडा आप मांग रहे हैं, उतना ही में चलाने लगे, ज्यादा बोलिएगा बोल के चलाने लगे। तो हम लोग बोले कि सर आपका काम क्या है, आप दोनों पक्ष जब है तो आप कागज मांगते, कागज दिखाने बोलते, आप तो एक बैग आए और हम लोग के ऊपर में लाठी चार्ज करने लगे। उतना ही में हम रोके, मेरे हस्बैंड वहां पर थे, उसको डंडा चलाया तो हम रोके, तो हम कुछ बहुत हमको भी चोट लगा और उनका मोबाइल भी टूट गया। उसके बाद में बहुत एकदम क्या बोलेंगे, बहुत गंदा शब्द यूज किए, गाली गलौज करने लगे, हाँ, और थाना से बाहर जाओ बोल के धकेलने लगे एकदम। उसके बाद में अगल बगल के लोग थे वहाँ के, सब मना किए। उसके बाद नाम मेरा रीना में अखबार के माध्यम से पता चला कि थाना में वहाँ महिलाओं के साथ भी, वहाँ के लोगों के साथ भी जो जमीन के इशू को लेकर गए थे उनके साथ थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट किया गया, लाठीचार्ज किया गया है। तो कहीं भी जमीन के इशू में तो मतलब पहली बात तो लाठीचार्ज करने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं था कि लाठीचार्ज करने का सिचुएशन था। जमीन का इशू था तो जमीन के इशू में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो थाना का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ज़्यादा होता कागजात की जांच होती है, कागजात की जांच करने के लिए अंचल अधिकारी वहां पर है, कागजात की जांच करने के पश्चात जैसा होता या दोनों पक्ष को बुलाते, बात तो कर लेते, अगर वही बात है तो दोनों पक्ष को बुलाते, दोनों पक्ष को अपने अपने जगह पर रहने के लिए बोलते, कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कहते। लेकिन जैसे इन लोगों से पूछने से पता चला कि बिना कुछ पूछे अगर लाठी चलाना शुरू कर दिया तो ये सरासर गलत। भुक्तभोगी के द्वारा ये भी बताया गया है कि कार से उतरने के साथ उनके हथियार के साथ दिखाते हुए लहराते हुए आया गया, टेबल पर डंडा का मांग के ये तो जो पीड़ित हैं उनका भी कहना है कि थाना प्रभारी जब बुलाया गया थाना प्रभारी थे नहीं, और जब आए तो वो हथियार लहराते हुए गाड़ी से उतरे, हथियार लहराते हुए उतरे और टेबल में रखे और लाठी पकड़ के सीधे मारना शुरू किए। तो अगर ऐसी बात है तो ये गलत है। आप इसके लिए कुछ कार्रवाई विभागीय जी एसपी साहब को कहेंगे, मतलब दोनों पक्ष को, मतलब कोई भी मामला होता है मामला जांच करे, इस पक्ष को भी जांच करे और मारपीट किया है तो उसका तो होगा ही, तो जांच करे और विधि सम्मत कार्रवाई हो। थाना प्रभारी के ऊपर किसी तरह कार्रवाई का मांग नहीं, अगर लाठी चार्ज किया मारा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो सस्पेंड हो। सत्यता अगर सही पाया गया तब तो कार्रवाई हो, कार्रवाई का मांग करते जी। नाम आरती कुजूर, जिला परिषद सदस्य, रांची से राकेश की रिपोर्ट।
नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।